जाना, फूल चढ़ाना, ज्योत जलाना, ये जो सारी प्रक्रिया है ये भगवान को तृप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है व्यक्ति के भक्तिवान होने की प्रक्रिया, भक्तिवान बनने की प्रक्रिया। जिसके भीतर भाव का अभाव है, प्रभु प्रेम का अभाव है, वो भगवान का सुंदर श्रृंगार करते 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 मन उसमें रम जाए तो भक्तिवान हो सकता है। मंदिर जाने से, ज्योत जलाने से ये सब करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इससे धीरे धीरे हमारे भीतर प्रभु प्रेम प्रकट हो, ऐसी आशा है। जरूरी नहीं कि हो जाए, ना भी हो, लेकिन जिसको मंदिर जाने से भी जिसके भीतर भक्ति प्रकट ना हुई, फूल चढ़ाने से भी प्रभु प्रेम जिसके भीतर जागृत नहीं हुआ, पूजा आदि करने से भी जिनके हृदय में प्रभु प्रेम प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे उपाय ऐसे हैं कि शायद प्रभु प्रेम प्रकट हो जाए, शायद हम भक्तिवान हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन ये सब करने से भी अगर हम भक्तिवान नहीं बने तो भक्तिवान बनने का निश्चित उपाय क्या है? व्यास जी कहते हैं भक्तिवान बनने का निश्चित उपाय श्रीमद् भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो निश्चित उपाय है, अन्य उपाय अनिश्चित उपाय है। लेकिन भक्तिवान भी हो गए और फिर भक्ति पूर्वक भी कभी दो फूल चढ़ गए तब तो भगवान नृत्य करने लगे। भक्ति से ही भगवान की तृप्ति, भक्तिमान बन जाओ फिर चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे सेवा करो, चाहे जो करो, लेकिन भक्तिमान बन गए उसके बाद आपका कहीं पर भी जाना तीर्थ बन जाता है। चाहे घर से ऑफिस जाओ लेकिन मानी जाएगी तीर्थ यात्रा, चाहे घर से अपने खेत पर जाओ लेकिन कदम कदम पर तीर्थ यात्रा का ही पुण्य प्राप्त होगा। जब भक्तिवान बन गए उसके बाद कदम 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 चलना यात्रा ही माना जाता है। जो भक्तिवान बन गया वो 5-7 घंटे लेटता है वो दंडवत ही माना जाता है।